मोबाइल खिचे दर्द नहीं होनी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से गोरखा नगर और कालका कॉलोनी को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है 3-4 दिन पहले से, और उसी की कड़ी में रहता है कि हमने सारे जितने भी रेजिडेंस हैं इस एरिया में उनकी सैंपलिंग करवानी है। तो आज से इनकी सैंपलिंग शुरू हो चुकी है। जैसा कि आपने देखा, गवर्नमेंट स्कूल में हमने सैंपलिंग शुरू करा दी है, और आपके माध्यम से मेरी ये अपील रहेगी तमाम लोगों को कि वो जल्द अज जल्द अपनी सैंपलिंग कराएं ताकि हम अगला डिसीजन ले सकें। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें व्हीकल्स भी प्रोवाइड किए हैं जिसके थ्रू हम अनाउंसमेंट्स करते हैं एरियाज़ में, ताकि हमारे लोगों को पता चलता रहे कि क्या क्या डिसीजन हो रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या क्या हिदायतें हैं उनको। तो उसी कड़ी में माइक्रो कंटेनमेंट जो जोन्स हैं, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये आज की डेट में इस टाइम काफ़ी ज़रूरत है इनकी, और ताकि हम COVID-19 का जो वायरस है उसको हम रोक सकें। और यहाँ पे जैसे आपको पता ही है, हमने काफ़ी यहाँ पे जो भी इम्प्लीमेंटेशन है माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स की, वो हमने एक्टिविटीज़ की इम्प्लीमेंटेशन कर रखी है, और साथ ही साथ हमने जो हमारे लोग हैं कंटेनमेंट जोन के उनका भी पूरा ध्यान रखा है, ताकि अगर कोई मेडिकल जिसको कोई ज़रूरत चाहिए इमिजिएटली हमने उसको मुहैया भी करवाई हैं। 16 लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया, हमने उनको मेडिसिन भी दिलवाई और टाइमली हमने उनका मेडिकल चेकअप भी कराया और वो स्टेबल है। काफ़ी खतरनाक स्ट्रेन देखी जा रही है फर्स्ट फेज के मुकाबले, अगर बात की जाए कितना चैलेंजिंग आपके सामने एक बार फिर से ये मुसीबत आके खड़ी हुई, और कितनी इम्प्लीमेंट करवाने में आपको क्या कोऑपरेशन पब्लिक में? COVID-19 के लिए हम सभी को पता है कि ये एक ऐसा वायरस है जिसमें सोसाइटी को इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन तो तत्पर है, हम तो पहले दिन से ही हमारी पूरी तैयारियां हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे लोगों को वायरस अफेक्ट ना करे, हम वायरस की चेन तोड़ सकें। उसी के रिलेटेड काफ़ी टाइम टू टाइम ऑर्डर्स भी निकलते रहते हैं, बट ये रहेगा कि अगर हम सारे इकट्ठे हैं, अगर मैं सेफ़ हूँ, अगर मैं प्रिकॉशंस ले रहा हूँ तो मेरा भाई सेफ़ है, अगर मेरा भाई सेफ़ है तो आप लोग सेफ़ हैं, क्योंकि हम लोग सोसाइटी में ताना बाना जुड़ा है हर एक का। तो इसीलिए ये रहेगा, सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर हम इकट्ठे हैं तो हम वायरस की चेन को तोड़ सकेंगे।